हाँ जी, सुबह सुबह मम्मी ने गुलाब जामुन बनाया और गुलाब जामुन के लिए मार हो गया। किसके किसके में? ये देख लो, मेरा फर्स्ट ईयर वाला क्लास, ये वाला खाली पड़ा है। जस्ट बिकॉज कि अपन लोग ऊपर क्लास चल रहा है। क्या चला होता, तीन आता ले भाई। पहला वो क्राउन मिल गया मेरे को। हवा भी बहुत खतरनाक है, देखो इसके बालों से देखो। ये देखो, ये भाई बवंडर है पूरा। तीन सटे गिर गया ले भाई। आ तो गए क्रिकेट खेलने। मेरे माइंड में दोपहर से चल रहा था कि बाइक के ऊपर वो तीन सेट है, वो गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि हवा बहुत ज्यादा थी। तुम्हारा भाई बनाएगा शाही पनीर, बस आवे चौके। भाई ये आ गया खाना, बहुत मजा। और इधर मैच चल रहा, चलो एंजॉय करते हैं। ये देखो जी, सुबह सुबह मम्मी गुलाब जामुन बनाई है। राम राम सभी को, जय श्री राम। सारे मुक्ति, आप सब बहुत अच्छे हो गए। हाँ जी, सुबह सुबह मम्मी ने गुलाब जामुन बनाया और गुलाब जामुन के लिए मार हो गया। किसके किसके में? मेरे, रविंद्र भैया और मनीष भैया में। कि मैं खाऊंगा। खैर टाइम 10:20 हो रहा है, कॉलेज चलते हैं, मस्त मज़ा मार के आते हैं। भाई सुबह के 9:30 से ये आंधी चलने लग रही है, गरम गरम वाली, गरम हवाएं चल रही हैं, बॉडी जलाने वाली। धूप भी गरम रह रहा है, ऐसी हार्श धूप में मेरी आंखों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है आंखें खोलने के लिए। बहुत खतरनाक जहरीली धूप है, चमड़ी आंखें सब जला देंगी। भाई कॉलेज तो आ गए, आज सबसे पहले मैं ही आया हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में। आरुष पीयूष ये सब लोग अभी घर पे ही हैं। भाई 5 मिनट में निकलेंगे, अभी मैंने कॉल किया था तो। अरे भाई क्लास के साइड चला जाए, क्लास में नहीं चला जाएगा। पीयूष भी आ गया। धूप तो बहुत जहरीली है, पूरा अपने आप को ये बांध के आया है मुंह वो सब गमछे से। आरुष की हाइट देखो यार, क्या मैसिव लगता है। सब एक क्लास वाले हैं, बीए फर्स्ट ईयर वाले हैं, बट उसकी हाइट अलग ही, अलग हाइट का बदला है। चलो उधर थोड़ी ठंडक है, ऐसे टीचर का क्लास है ना, डर लगता है उनसे बहुत ज्यादा क्योंकि इतना लिखवाते ही है। क्लास में बट क्लास चल ही नहीं रहा, टीचर ही नहीं है। ये देख लो, मेरा फर्स्ट ईयर वाला क्लास, ये वाला खाली पड़ा है। जस्ट बिकॉज कि अपन लोग ऊपर क्लास चल रहा है। वैसे भाई ये हम लोग के एक सन सीनियर वालों का क्लास है, इसमें आके बैठ गए पंचोदी के लिए। आज पिटाएंगे सर बहुत ज्यादा। भाई कॉलेज में भी लूडो होने लगा, यही फायदा है भाई कॉलेज में, बकचोदी कर सकते हो आराम से। भाई तुम्हारे भाई की 3 गोटियाँ पास हो चुकी है, एक ये काट पिट के अंदर कर दिए सब, ये भी बाहर आ गई। चलो जय होती वाली। ले भाई तुम्हारे भाई की गोटियाँ जो है वो अंदर आ गई, एक बची है उसको भी अभी पास आउट कर लेंगे। अरे रुको, कहाँ छुए हो? मैं चला होता तीन आता। ले भाई पहला वो क्राउन मिल गया मेरे को, मैं जीत गया। अब देखना ये है कि इन दोनों में कौन जीतता है। देखो दोनों को, जिसका पहले एक आ जाए वो जीत जाएगा, बहुत सीरियस मोड पे। अरे वाह, यू जीत गया, बच्चा हार गया। भाई ग्राउंड में आते साथ इतनी तगड़ी है, देखो धूल, देखो भाई साहब क्या खतरनाक धूल उड़ रहा है। हवा भी बहुत खतरनाक है, देखो इसके बालों से देखो। ये देखो, ये भाई बवंडर है पूरा, इतनी खतरनाक। चलो मैं घर भाग लेता हूँ, बहुत हो गया बकचोदी कॉलेज में। टाइम जो 11:40 हो गया यार। कॉलेज से आने के बाद इतना सारा काम था, लाइक मनीष भैया का फॉर्म भरना था PCS वाला, वो फॉर्म फिलअप करने में 3 घंटे लग गए हैं। और फिर भूख लग गई है तो कॉर्नफ्लैक्स मार रहा हूँ अब, और मम्मी ने गुलाब जामुन बनाए थे वो 2 पीस मार रही है, गुलाब जामुन वाले ढकार आ रहे। अब जाके थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे रहा हूँ। आप इधर आ गए, किसी की गाड़ी नहीं दबी है, सूर्या भैया की है। चलो गाड़ी हटा दो पहले। भाई एक बाइक तो इधर डाल दिया, दूसरी वाली निकालूं, ये खड़ी है सूर्या भैया की बाइक ही दब गई। चलो इसको पहले निकाल के हटाऊं, फिर मनीष भैया वाली हटाऊं, उसका वो तो लॉक है, उसको तो इम्पॉसिबल हटाना।
चलो इसको भी हटा दूं, बहुत ज्यादा गंदी कंडीशन में हो रखी है भाई, देख रहे हो पूरी बाइक ही दब गई इसके अंदर। भाई आ तो गए क्रिकेट खेलने, मैं माइंड में दोपहर से चल रहा था कि बाइक के ऊपर वो टीन सेट है वो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। सो वही हुआ, मेरे दिमाग में पहले से बना हुआ था, टीन सेट गिर ही गया एट लास्ट। खैर बहुत अच्छा है, कोई नुकसान नहीं हुआ। सूर्य भैया के बाइक पे थोड़ा मोड़ा डेंट आया है, मनीष भैया की बाइक भी सेफ है। भाई मैच के बाद निकल लिए घर, कुछ खास नहीं था आज का, बस फील्डिंग की हूँ, बैटिंग आया ही नहीं। चलो चलते हैं, ये अपनी दनों खड़ी है, अरे पल्सर नहीं, पल्सर के उधर, लेट्स रोल, भगवा भगवा अलग सी चमकती है। भाई खेल वेल के निकल लिए घर, काफ़ी सुहाना सा ठंडा सा मौसम हो जा रहा है रात में, और दिन में भाई जो आंधी चल रही है, जो तगड़ी गर्मी हो रही है, रात को एकदम ठंडा ठंडा। खैर भाई मज़ा तो आ रहा है, ऐसा मौसम इंजॉय करना है, बट इसमें लोगों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। खैर कोई ना, अभी जो गेहूं का फसल वो कटने का सीज़न आ चुका है, सब लोग मतलब देख रहे हो काफ़ी सारे ये वाले बगल वाले खेत का फसल जो है कट चुका है, इसका भी कटना बाकी है, और यहाँ पे हम लोग खेलते हैं क्रिकेट इस वाले खेत में। खैर आज तो एनर्जी सी नहीं आ रही है यार, पता नहीं क्यों। चलो घर चल के आराम से चिल मारेंगे। बस ये वाला जो लेन है वो बंद कर रखा है, इस पर साइकिलिंग में तो मज़ा तो आता ही आता है, कॉमन सी बात है, पूरा खाली खाली मिलता है साइकिलिंग के लिए। अब देखो ये जो बैरिकेटिंग करके रखा है सब ना बोरियों से और फित्ते से, ये लोगों ने तोड़ दिया है, इसको चीरते हुए मैं आगे जाऊंगा, नीचे से नहीं जाऊंगा। वो ऑफ रोड पैच है, ये वाला ऑफ रोड है, ये वाला मस्त है, आगे से कुदा लूँगा टपा लूँगा, कोई बाइक तो है नहीं कि उठा के नीचे नहीं रख पाऊँगा, इसको उठा के रख ही लूँगा। इनफैक्ट जो मेरी स्प्लेंडर थी ना पैंथर मेरी, उसको भी मैं उठा के रख लेता था ऐसे, अगर टपाना और रोड उठा के मैं टपा देता था अकेले भी तो या। लेकिन बुलेट जो वाला सीन है ऐसा है कि बुलेट बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा 200 किलो की है, ऊपर से 13 kg का पेट्रोल, 13.5 liter आता है वो, 13 kg के समथिंग अराउंड आता है वो, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है वो। पर इसके अंदर मनीष भैया की और ये वाली क्या नाम है सूर्या भैया की दो बुलेट लगी पड़ी हैं बस, बाकी सारी गाड़ियाँ निकल गई, अब इसको सही करवाना पड़ेगा। बाकी इधर देखो जेसीबी से काम चल रहा, पता नहीं किस चीज़ का, कोई है नहीं, अपन लोग इधर ही अकेले बैठे हैं, क्या ही करें, कोई साथी है नहीं अपन लोगों का। वो दोनों आ गए बुलाने पे, ये ले चले हैं दोनों मित्र लोग, भैया लोग। भाई इतने लोग मिल के निकाले, आवा आवा छोड़ ले आओ, ए कभरवा 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 गिर नहीं, छोड़ दो। भाई खत्म हो गया, टूट गया, मैं शेल्टर ही गया, सीरियस ना बने यार। चल भाई आज का मून तो बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। कुल्लड़ वाला गुलाब जामुन मम्मी कहते कैसे भाव, ये तो परेशान करके रखे थे, लाओ 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 लाओ, अब मैं नहीं दे रहा था, लेकिन मैं अपने लिए बचा रहा था कि मैं खुद खाऊंगा, बट नहीं मम्मी से मांग लिए, मम्मी दे दी हैं, मैं तो सोचा था कि आधा दूंगा आधा मैं भी खा लूंगा, लेकिन मम्मी 2 पीस दे दी है। मेरे से रहा नहीं जा रहा यार, एक खिलाओ खा ले, नहीं रखल ना है बहुत कम बचा है, तो 1 पीस लाओ यार, क्या खाओ, तबीयत खराब है वो मनीष भैया का है। अरे यार हम भी लगे यार, छोड़ो। भाई अभी देखो मैं जाके मार्केट पनीर और ये सारा सामान लेके आया हूँ, जस्ट बिकॉज कि अभी अपन लोग बनाएंगे शाही पनीर, मतलब अपन लोग मीन्स तुम्हारा भाई बनाएगा शाही पनीर, बस अरे चौकीदार लहसुन लहसुन छिलवा लेते हैं, प्याज टमाटर वमाटर काट के थोड़ा सा भून के पीस के बना देना है, सिंपल।
इधर मैं जो हूँ प्याज और थोड़ा सा फ्राई करके पीसूंगा इसको, उससे पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेता हूँ। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया हूँ, बट कोई ना, मसाला वसाला भुनने का काम आ जाएगा। ऐसे ही प्याज भी थोड़ा पानी छोड़ दिया है ऑयल में, ये भी हो गया काम सही वाला। चलो इधर टमाटर वमाटर पीस लेते हैं, बहुत बड़ा वाला जार लाया हूँ। भाई देखो अभी जो लहसुन प्याज व्याज का जो पेस्ट है इसको आराम से भून के रेड करेंगे, उसके बाद जो है टोमेटो का आएगा, फिर मसाले आएंगे, फिर पनीर आएगा। ये हो गया शाही पनीर, और इधर काजू वाजू का पेस्ट, ये सिस्टम। भोजपुरी में IPL यहाँ पे, अभी ये मैं भून रहा हूँ। अरे बहुत तेज उड़ रहा है भाई, माँ कसम। भाई ये देखो शाही पनीर में मैंने पनीर डाल दिया, ओए होए होए होए, क्या लजीज बना है भाई। अभी तो ये बॉइल होते रहेगा, चलते रहेगा काम इसके अंदर, ताकि अच्छे से मसाले जो हैं इसके अंदर घुस जाएं, अंदर चले जाएं पनीर के। भाई ये आ गया खाना, बहुत मज़ा। और इधर मैच चल रहा है, चलो इन्जॉय करते हैं।